जोधपुर से मेरे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं। महिमा पधारो, हमारे देश तो आपका हो गया, लेकिन वहां पर वोटिंग करने के लिए कितनी जनता पधार रही है, तस्वीरें दिखाएं। राजीव, देखिए आपने बहुत अच्छी लाइन से इस चीज की शुरुआत की है कि पधारो हमारे देश, लेकिन जब हम बात करते हैं जोधपुर की, तो सबसे पहली तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि किस तरीके से गजेंद्र सिंह शेखावत जो है वो यहाँ पर क्यू में खड़े हैं, यानी लाइन में खड़े हैं आम जनता की तरह। वो अभी कुछ ही देर में अपना जो मत है उसका इस्तेमाल करेंगे, वोट डालने जाएंगे। आप देख सकते हैं विजुअल की गजेंद्र सिंह शेखावत जो है एक वोटर होने के नाते उनसे ये पूछ लें कि किस मुद्दे पर वो वोट दे रहे हैं। देखिए राजीव, हमने कोशिश जरूर की थी, लेकिन उनका ये कहना था कि पहले मैं अपने मत का इस्तेमाल करूंगा, यानी पहले मैं वोट डाल के आऊंगा और उसके बाद ही कोई बात करूंगा। तो अभी हम आपको विजुअल्स दिखा देते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर, क्योंकि गजेंद्र सिंह शेखावत भी अपना मत अपने परिवार के साथ अपना राइट जो है वो प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, यानी डालने जा रहे हैं। और दूसरी तरफ भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हैं, अपने जो वोट है वो डाला है। कुछ लोग यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, आपने वोट किया, किन मुद्दों पर आपने वोट किया है, क्या लगता है? विकास और प्रगति के मुद्दे पे ही करना चाहिए और उसी पे खड़ा है हमने भी। तो आपको क्या लगता है, अगर हम गजेंद्र सिंह शेखावत की बात करते हैं तो इस बार भी मुमकिन तरीके से वो जीत पाएंगे? इसमें कोई डाउट ही नहीं है। मुमकिन तरीका क्या होता है, वो उन्हीं को आना है और उन्हीं को विकास और आगे बढ़ाना है। अच्छा, और ऑपोजिशन की अगर हम बात करें, क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं स्टैंड करता है ऑपोजिशन? किसी के बारे में बोलना गलत है, बट गजेंद्र जी जरूर आगे बढ़ाएंगे। मैम, मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी, महिला है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रचना में क्योंकि महिला भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी एक सवाल ले लेते हैं। यही आपसे कहना चाहती थी, ज्यादा से ज्यादा आप महिलाओं से भी पूछे, आपको क्या लगता है? जी, मोदी जी हमेशा सभी को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष। तो आप क्या डेवलपमेंट देखती हैं, अगर महिलाओं की नजर से हम देखते हैं तो किस मुद्दे पर आपने वोट किया है, क्या कुछ ऐसा महिलाओं का स्पेसिफिक मुद्दा होता है? और खासकर अगर हम जोधपुर की बात करते हैं, राजस्थान की बात करते हैं, तो महिलाओं के इशू किस डेवलपमेंट को देख के आप कर रहे हैं? पर्टिकुलर महिलाओं का इशू नहीं है, जो भी डेवलपमेंट होगा वो सब पूरा देश के लिए होता है। तो आप देख सकते हैं रचना, क्योंकि अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पर लाइन में मौजूद है, हालांकि सेपरेट लाइंस जो हैं वो यहाँ पर बनाई गई हैं, महिलाओं की अलग है, पुरुषों की अलग। महिमा, निर्मला सीतारमन कुछ बोल रही हैं। सो दे वेरी गुड सिटीजंस एंड दे वुड कम दिस टाइम आउट टू वोट। थैंक यू। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन खुद भी एक महिला हैं और ये बताना चाहती हैं कि जो भी वोटर्स हैं, जहां जहां आज वोटिंग हो रही है, अपने वोट का इस्तेमाल करें। हमारे साथ भी देश के अलग अलग हिस्सों से इंडिया न्यूज संवाददाता पल पल की रिपोर्ट और तस्वीरें अपडेटेड हमारे दर्शकों तक पहुंचा रही हैं। हम भी बार बार कह रहे हैं, रचना एक अपील कर देते हैं, अपील कर देते हैं कि पहले फेज में जो कम वोटर्स निकले उनको, उस संख्या को पीछे छोड़ना है, एक रिकॉर्ड की तरफ आगे बढ़ना है। बड़ी बात यह है कि आप वोट करेंगे, सवाल पूछने का हक भी